क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे वाइटेस्ट पेंट की क्या पावर हो सकती है? सुनने में ये काफी अटपटा सा लगेगा, बट दुनिया में अब साइंटिस्ट्स ने वर्ल्ड्स वाइटेस्ट पेंट को डेवलप कर लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल अमेरिका की पर्डी यूनिवर्सिटी की लैब में इस पेंट को तैयार कर लिया गया है। इस पेंट की काफी सारी खास बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं तो उन्होंने किस तरह के इनोवेटिव पेंट्स को या फिर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए किस तरह के इनोवेटिव मेथड्स को अपनाए हैं। इन सभी बातों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो ये वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजेदार होगी, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट ने वाइटेस्ट पेंट को डेवलप कर दिया है, और ये जो पेंट डेवलप किया है इसके पीछे है प्रोफेसर रुहान। यहाँ पर प्रोफेसर रुहान ने कहा है कि 7 सालों से ये इस तरह के पेंट, इस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगे हुए थे, और इनका मेन मकसद यही था कि ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को सेव करना है, और साथ ही में क्लाइमेट चेंजेस जो अभी फिलहाल हो रहे हैं तो उससे भी हमें फाइट करना है। नाउ सबसे बड़ा सवाल, इतने व्हाइट पेंट को डेवलप करके क्या हासिल होगा? सो लेट मी टेल यू, ये व्हाइट पेंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक कोट में ही ये लगभग 98% सोलर रेडिएशन को अवॉइड कर देता है, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। और क्योंकि अब ये 98% से भी ज्यादा सोलर इंफ्रारेड हीट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसके चलते जो बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर है काफी ज्यादा कूल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें 1000 square feet के एरिया को कवर कर दें इस तरह के पेंट से, तो यहाँ पर तो एक घर एटलीस्ट 10 kW की कूलिंग पावर को सेव कर सकता है, और ये पावर काफी ज्यादा मैसिव है। टिपिकली आपने देखा होगा मार्केट में जो व्हाइट पेंट मिलते हैं वो गर्म कर देते हैं रैदर देन कूल। अगर इनकी एफिशिएंसी को देखा जाए तो इन्हें इस तरह से ही डिजाइन किया होता है कि ये 80-90% सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करे, बट ये कूलर रखने के लिए ज्यादा सफिशियंट नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो चीज जो इसको अल्ट्रा वाइट पेंट बना रही है। सुनो, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन्होंने यूज किया है तो वो है वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड बेरियम सल्फेट। इसे हम काफी बार फोटो पेपर और कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं, और अब यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट पार्टिकल साइज ऑफ बेरियम सल्फेट्स को यूज किया है इस तरह के पेंट को बनाने के लिए। वेल नाउ इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी काफी तरह के इनोवेटिव पेंट्स डेवलप किए गए हैं। स्पेशली यहाँ पर गोबर से पेंट बनाने की ये जो टेक्नोलॉजी है अपने आप में ही काफी अनोखी है। अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज को हर गाँव में डाल दिया जाए तो भारत यहाँ पर 1 लाख करोड़ की इस तरह की इंडस्ट्री को खड़ा कर सकता है। सेकेंडली बात करें तो इंडिया के काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन को ट्रैप करके, एयर पोल्यूशन को कैप्चर करके इससे इंक बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, और ऐसी सब चीजें न केवल ही कंस्ट्रक्शन वेस्ट होने से रिड्यूस कर रही हैं, बल्कि क्लाइमेट चेंजेस जो अभी हो रहा है उसको टैकल करने के लिए ये काफी हद तक मददगार भी साबित हुई हैं। सो देखा आपने किस तरह से दुनिया के साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि भारत के भी साइंटिस्ट, भारत की भी स्टार्टअप कंपनीज बेहद ही इनोवेटिव अंदाज में एक सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप करने की दिशा में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में जरूर से कमेंट कीजिएगा।